बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ या कूलम फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम कूलम फोर्स को मालूम करेंगे फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमने एक वायर लिया या एक रॉड लिया है और इस पर हमने वो रॉड जो है ना हमने चार्ज कर दिया। क्योंकि रॉड लीनियर है यहाँ पर, इसलिए जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इस पर जो चार्ज है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, तो इसके वजह से इसको लीनियर चार्ज के का जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया है। तो लेट हम एक वायर लेते हैं या रॉड लेते हैं, इसके जो टोटल लेंथ एन है उसको हमने चार्ज कर दिया। जब हमने चार्ज कर दिया तो हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। जो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो हमारे साथ जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन चार्ज डेंसिटी मतलब हर जगह पर यूनिफॉर्म होगा, जो चार्ज है यूनिफॉर्म यहाँ पे हर पॉइंट पर हर जगह पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स लेते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज है हमने लेट सपोज कंसीडर कर दिया है कि इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम इसकी मालूम करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा बराबर होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमने जो लेंथ एलिमेंट्स लिया है वो डी एल है, जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो फिर हमारे साथ जो चार्ज है वो डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई फर्स्ट स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स हम चार्ज डेंसिटी मालूम करते हैं। तो जब यहाँ पर मतलब डी एल पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगी। मतलब ये इधर ले आएंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, इस तरह लैम्डा लैम्डा डी एल इज इक्वल टू डी क्यू। तो फिर डी क्यू हमने इस तरफ लगाया और लैम्डा डी एल हमने इस तरफ। इसके बाद हम एक और चार्ज देते हैं जो हमने नाम दिया क्यू चार्ज आउटसाइड द लेंथ एलिमेंट्स। हमने एक और चार्ज लिया और इसका जो इस लेंथ से जो रॉड है या वायर है इससे जो फास्ट लाइफ आर है, तो कूलम फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड द स्मॉल एलिमेंट्स लेंथ एलिमेंट्स हैविंग चार्ज डी क्यू, तो इसके दरमियान हम फोर्स मालूम करते हैं। तो डी एफ फॉर स्मॉल एलिमेंट्स, इसलिए हम यहाँ पे डी एफ लगाते हैं फॉर स्मॉल। और जो फोर्स है 1/4 नॉट क्यू इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जिसके दरमियान फास्ट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डी क्यू है इसकी जगह हम लगाते हैं लैम्डा डी एल, क्योंकि डी क्यू किससे बराबर है, लैम्डा डी एल के बराबर है। तो यहाँ पे जब पुटिंग करेंगे मतलब इसको हम इक्वेशन मान देते हैं, इसको हम इक्वेशन टू लेंगे। जब इक्वेशन को हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगी डी एफ इज इक्वल टू 1/4 नॉट क्यू लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट्स लिया है इस पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन और समेशन के लिए हम पहले हम समेशन इस्तेमाल करते थे एफ सी में, अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम समेशन की तरह है, जो मतलब स्मॉल इसे हम लेते हैं एक बॉडी के, इस पर इंटीग्रेशन लेते हैं तो एज अ होल वो बॉडी हमें देता है। वो मतलब जब हम एरिया मालूम करते हैं या कोई वॉल्यूम मालूम करते हैं तो हम इंटीग्रेशन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हम लेते हैं, इस पर इंटीग्रेशन लेकर इज अ होल वो मतलब एरिया हमने मतलब मालूम कर सकते हैं, टोटल एरिया या टोटल वॉल्यूम। इस तरह जो हमने फोर्स पहले जो इक्वेशन लिखा है इस चार्ज अब इस चार्ज के दरमियान, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आर बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसलिए हम मतलब इस सारे जो लेंथ एलिमेंट्स हैं, जो सारा लेंथ एलिमेंट्स इस पर जो चार्ज हैं इस आवेश के दरमियान जो फोर्स हम मालूम करेंगे तो हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि हमारे हम
होल जो लेंथ एलिमेंट है इसकी वजह से हम इस पर फोर्स मॉडल करते हैं। तो हमने स्मार्ट एलिमेंट इस पर इंटीग्रेशन हमने लिया। इंटीग्रेशन मीन्स फॉर ऑल चार्ज, मतलब ऑल फोर्स बिटवीन बीकम एंड फोर्स बिटवीन लेंथ एलिमेंट्स एंड बीकम, इस पर को हम मतलब स्मार्ट जब डिवाइड करेंगे तो स्मार्ट एलिमेंट्स आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन रहेगा। इंटीग्रेशन हम हमारे साथ जो जब इसका इसके हम इंटीग्रेशन रहेंगे तो हमारे साथ टोटल फोर्स आ जाएगी बिटवीन क्यू एंड लेंथ एलिमेंट्स। तो हमारे साथ जो रिजल्टेंट है वो आ गया जो रिक्वायर्ड था हमसे कि कूलम्ब फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे साथ जो रिजल्टेंट है वो ये है कूलम्ब फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो दिस इज द इंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम एक और टॉपिक के साथ आलोचना में मुखातिब होंगे।